वो छह कारण जिनकी वजह से भारत में आई आर्थिक मंदी। कुछ दिन पहले ही आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसककर सातवें नंबर पर चला गया है। साल 2019-20 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 5% रह गई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी तिमाही के दौरान विकास दर 8% थी। आर्थिक मंदी के बादल तेजी से काले और घने होते जा रहे हैं और इसका असर ऑटो, रियल एस्टेट, टेलीकॉम और बैंकिंग से लेकर स्टील और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्या है इस मंदी के पीछे का कारण? घरेलू मांग में कमी। हर देश की अर्थव्यवस्था वहां के लोगों की भावनाओं पर बहुत हद तक निर्भर करती है। भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीद होने पर लोग पैसे खर्च करते हैं, नहीं तो वो पैसे बचाते हैं। इससे डिमांड और सप्लाई में संतुलन बना रहता है, मगर पिछले कुछ वक्त से घरेलू बाजार की डिमांड में काफी कमी आई है। गाड़ियां, कपड़े, यहां तक कि बिस्कुट की बिक्री में भी काफी गिरावट आई है। नतीजा, कंपनियों का नुकसान और उत्पादन में कमी। फाइनेंशियल सेक्टर की बदहाली। फाइनेंसिंग दो सोर्सेस से होती है, पहला बैंक और दूसरा एनबीएफसी। ज्यादातर बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए काफी ज्यादा हो गए हैं, जिसके कारण अब वो लोन नहीं दे पा रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी पहले ही लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रही हैं, मतलब उनके पास लोन देने के लिए कैश है ही नहीं। ऐसे में न कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान है और न लोगों के लिए लोन लेना। नोटबंदी। इसमें कोई शक नहीं है कि नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। इनफॉर्मल सेक्टर, छोटे एवं मझौले उद्योग से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इससे अब तक उभर नहीं पाई हैं। जीएसटी का गलत तरीके से लागू किया जाना। जीएसटी एक सुधारवादी कदम था, मगर शुरुआती समय के कंफ्यूजन और व्यापारियों का पैसा सरकार के पास अटकने से ज्यादा नुकसान ही हुआ। सरकार के खजाने में भी टैक्स कम हो गया और टैक्स कलेक्शन सरकार के एस्टिमेट से कम ही रहा। इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने जो सरचार्ज लगाया उसे टैक्स टेररिज्म कहा गया। नेट एक्सपोर्ट में कमी। हमारे आर्थिक हालात बेहतर हो सकते थे अगर हमारे यहां से कुल निर्यात ज्यादा होता तो। ऐसा न होने के पीछे वजह है यूएस चाइना का ट्रेड वॉर। दोनों देशों के बीच हो रही इस व्यापारिक जंग से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट में कमी। चारों तरफ का माहौल नकारात्मक हो इसलिए इन्वेस्टर भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। कंपनियां भी ऐसे हालात में अपना एक्सपेंशन करने से बच रही हैं। अब कंपनियां या तो अपने प्लांट बंद कर रही हैं या लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। सरकार ने सरचार्ज वापस लिए हैं और कुछ कदम उठाने की घोषणा भी की है, मगर मंदी का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।